अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं कुछ न्यू डिज़ाइन के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको मिरर विद टसल बनाना बताऊंगी। फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए फैब्रिक, मीडियम साइज का स्क्वायर मिरर, पोत के मोती चाहिए हमें मल्टी कलर में, फैब्रिक ग्लू, एंकर का थ्रेड और सुई, सिंपल थ्रेड और सुई और सेफ्टी पिन। सबसे पहले हम मिरर को फैब्रिक पर चिपकाना है हमें ग्लू की मदद से। सुई को कपड़े में से बाहर निकालना है फ्रेंड्स। इसके बाद हमें इस तरीके से मेकिंग करनी है, आप देखते जाएं। के ये फोर कॉर्नर्स को हमें भरना है। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से इसको फोर कॉर्नर्स को हमें मेकिंग करनी है। ये फोर कॉर्नर्स बनने के बाद हमें एक एक को फिल करना है इस तरीके से फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमें हर कॉर्नर्स को फिल करना है। देखें फ्रेंड्स, ये दो मैंने फिल कर ली हैं। अब तीसरा वाला भी इसी तरीके से होगा फिल, जिस तरीके से ये दोनों मैंने फिल करने आपको बताए थे। देखें फ्रेंड्स, ये तीन मैंने फिल कर दिए हैं। अब लास्ट वाले को भी इसी तरीके से फिल करना है जैसे हमने ये तीन कॉर्नर्स को फिल किया था। यहाँ एंड करना है, देखिए फिल करने के बाद अब हमें यहाँ एंड करना है। तो सुई कपड़े के अंदर ले जाके पीछे से नॉट लगानी है फ्रेंड्स। नॉट लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे चेन स्टिच लगानी है फ्रेंड्स। इस तरीके से बनाएंगे हम चेन स्टिच को। फ्रेंड्स, लेजी ये टसल बनाने के लिए हमें यहाँ पे सेफ्टी पिन लगानी है। इस तरीके से लगाने के बाद यहाँ से हमें सुई को पास करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें अब टसल बनाना है। इसके लिए हम इस तरीके की मेकिंग करनी है। सिक्स टाइम्स हमें इसी तरीके से स्टिच लेना है ताकि टसल पूरा इस तरीके से बन जाए। लेने के बाद हमें यहाँ प्लग करना है सुई को फैब्रिक में डाल के। अब हमें यहाँ ऊपर की मेकिंग बनानी है फ्रेंड्स, ताकि ये पूरा टसल कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से हमें मेकिंग बनानी है। देखें फ्रेंड्स, तरीके से बनाने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इस टसल को इस तरीके से काटना है ताकि ये पूरा टसल बन जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये बहुत ही प्यारा लगता है। अब हमें फ्री साइड पे हमें पोत के मोती अप्लाई करने हैं। तीन पोत के मोती लेने हैं और हमें यहाँ पे स्टिच करने हैं फ्रेंड्स। देखें इस तरीके से इसको स्टिच करना। जब ये इस तरीके से आ जाए तो हमें सुई को
इस तरीके से सुई की मदद से हमें लग करना है। सिर्फ धागे में सुई को डालना है, बीड्स में से सुई को नहीं पास करना, इस तरीके से फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ पर भी पोत के मोती अप्लाई करने हैं, इसके लिए भी हम यही रिपीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको भी हमें इसी तरीके से मोतियों को लगाना है। मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, धागा नज़र नहीं आना चाहिए फ्रेंड, सिंपल धागा बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। अगर आप इसी मेथड से अप्लाई करोगे तो बिल्कुल भी सिंपल धागा नज़र नहीं आएगा, और ये जो पोत के मोती लगेंगी बहुत ही प्यारा टसल बनेगा विद मिरर के साथ। ये देखें फ्रेंड, इस तरीके से ये बनेगा टसल, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ड्रेस में बनाएं, आप ट्राई करें ज़रूर। लाइक करें मेरी वीडियो, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।